So we had already started with the ancient Indian history. To start with, let us briefly revise what we have been dealing with and what we have dealt yesterday. Okay, so we had started with the Paleolithic age. Okay, and we have already discussed that the Paleolithic age started with 10,000 BCE. Okay, and it covers the greater part of Ice Age. Okay, so the planet had already started converting from Ice Age to the Warm Age in this particular duration. Okay, and then we had seen that borders, the use of hand axes and cleavers. So if you see the weapons or tools which were used in this Paleolithic age, they were big. You can call them as a macrolith stones, macrolith, okay, not microlith. Then we move on to the next age. Okay, this is just brief revision. Okay, we had already discussed all these points in detail in our yesterday's lecture. अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिवाइज हम फास्टली कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने मेसोलिथिक एज देखा और नियोलिथिक एज देखा, ठीक है। मेसोलिथिक एज का ड्यूरेशन हमने देखा था 10,000 से 6,000 BCE और नियोलिथिक का देखा था 6,000 से 4,000 BCE, ठीक है। सो मेसोलिथिक एज को हम लेट स्टोन एज भी कहते हैं और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। पैलोलिथिक को आप ओल्ड स्टोन एज कहेंगे। यहाँ पर देखो द स्टोन्स व्हिच वर यूज्ड इन दिस मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, they were more smaller and sharper, okay, and we call them as microlith stones, microlith stone. This was the first time in Mesolithic period that bows and arrows were also began, you know, were also started, people also started using these bows and arrows in this particular duration of Mesolithic period. Then as soon as we enter Neolithic period, there was use of tools and weapons made up of bones. आपको ऐसे सवाल आ सकता है कि टूल्स एंड वेपन्स मेड अप ऑफ बोन्स वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एज। सो विच एज, इट इज नियोलिथिक एज। ओके सर, एमबीए की हिस्ट्री वाज लिटिल हार्ड। कैसे हो, जस्ट किसकी बात कर रहे हो, एग्जाम जो एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहे हो या क्या? तो इतना भी हार्ड नहीं था, मतलब ठीक है, थोड़ा हाँ, दो तीन क्वेश्चन थे थोड़े हार्ड, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर इजी और हमारे नोट्स से तो डायरेक्टली क्वेश्चन थे उसमें भी, हिस्ट्री में भी। ओके सर, हाँ बोलो। जय हिंद सर। हाय, जय हिंद, जय हिंद। हेलो, चलो आज जल्दी आया करो, लेट मत ज्वाइन किया करो। सर लिंक ही नहीं आया था। अच्छा, लिंक ही नहीं आया था। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किया हमने भी। तो उसके बाद हमने देखा चालकोलिथिक श्रेणी, ठीक है। चालकोलिथिक एज को हम मेटर या फिर पॉपल एज भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन फ्रॉम सिंस फ्रॉम 4000 BCE टू 1500 BCE मेटल वाज डिस्कवर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ सिंस मेटल वाज डिस्कवर्ड, इट डजंट मीन दैट स्टोन एक्सेस वर फॉरबिडन। इवन स्टोन एक्सेस एंड स्टोन टूल्स वर आल्सो यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, बट हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स एंड टूल्स नाउ मेड अप ऑफ मेटल एंड कॉपर, ओके, इन दिस चालकोलिथिक एज। When we talk about Harappan civilization also belong to this particular Chalcolithic settlement. Okay, so people use different types of pottery, especially the black and red pottery. है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कल हमने potteries भी देखे, ठीक है। तो ये था Chalcolithic age. Chalcolithic age के बाद आता है Iron Age. So वो 1500 BCE से लेके आगे तक चलता है around 600 BCE तक, ठीक है। 600 BCE के बाद हम महाजनपदा, जनपदा, जैनिज्म, बुद्धिज्म देखेंगे, बट 1500 BCE से लेके 600 BCE तक हमें देखने मिलता है आयरन एज। आयरन एज आल्सो कोइंसाइड्स विद द वैदिक एज, ठीक है। सो वैदिक एज बोलो या आयरन एज बोलो, दे बिलोंग टू वन एंड द सेम ड्यूरेशन। ओके, तो आज हम वैदिक एज भी स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमने फिर ज्योग्राफी बिहाइंड हिस्ट्री देखा था कि कैसे इंडिया का ज्योग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री को शेप किया है, ठीक है। और इसी बात को सहारा बनाकर हमने इंडिया के कुछ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखे थे, जैसे हमने हिमालयस देखा, हमने यहाँ पर सुलेमानी रेंजेस देखे, हमने हिंदू कुश रेंजेस देखे, यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पासेस है, जैसे खैबर पास है, बोलन पास है, खुर्रम पास है, ये देखे हमने, जिन पासेस के थ्रू जो है फॉरेन मिशनरीज, फॉरेन इन्वेजन इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हुए थे, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफली कल देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट जगह है स्वैट वैली, जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो आपको मॉडर्न डे पाकिस्तान में वो मिलेगी। तो ये वो स्वैट वैली है जहाँ से काफी मिशनरीज और इन्वेडर्स आए।
स्पेशली जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर या सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर ऑल्सो एंटर इंडिया थ्रू दिस स्वैट रैली. तो दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जैसे आप यहाँ पे देखो, कराकरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजाल, ये सारे रेंजेस है. काफी बार आपको ये रेंजेस नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की देखेंगे आप, तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर रेंजेस को अरेंज करने को कहा जाता है. तो पटकाई, मिखीर, जयंतिया, गारो खासी, जयंतिया वगैरह वगैरह. एग्जाम के 2 दिन पहले हमने स्पेशल मैपिंग पे लेक्चर लिया था, तब मैंने आपको बताया भी था ये कैसे याद रखना है. ठीक है, हाउएवर हम फिर से इस पर एक बार लेक्चर लेंगे, उसमें हम देखेंगे इसको और डिटेल में. ठीक है, उसके बाद हमने इंडो गंगेटिक प्लेन देखा था. ये था इंडो गंगेटिक प्लेन. ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन की खासियत ये थी कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. इवन 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 ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट टाइम यू विल सी दिस इज वेरी फर्टाइल एरिया. फर्टाइल एरिया बिकॉज ऑफ एल्यूवियल सॉइल. दैट एल्यूवियल सॉइल इज ब्रॉट इन हियर बाय द वेरियस रिवर सिस्टम लाइक यमुना, गंगा, ठीक है, इंडस रिवर. हियर यू विल सी दीज आर द डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. That's why you will see most of the part of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar, they are one of the most fertile areas of the world. Okay? And due to this fertility of this land, it became a center of attraction. Okay, center of attraction, or you can say center of temptation. And that's why many of the invaders came to India for this temptation only. Okay, that there is a particular land and it is very fertile. Okay, so ye bhi ek wajah bani uski. उसके बाद हमने इंडो गंगेटिक प्लेन का तो मैंने बता दिया आपको. दिल्ली का इंपॉर्टेंस बताया था. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसाइसिव बैटल्स वर फॉट नियर दिल्ली ओनली लाइक तराइन एंड पानीपत. उसके बाद हमने सदर्न पेनिनसुला देखा था. सदर्न पेनिनसुला में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इन्वेजन ऊपर से तो हो ही रहा था, मगर नीचे जो है, नीचे इंडिया के साथ काफी काफी अलग अलग जगहों से ट्रेड भी हुआ करता था. जैसे मैंने आपको बताया था कि एंशियंट टाइम में इंडो रोमन ट्रेड हुआ करता था, इंडो ग्रीक ट्रेड हुआ करता था. उसके बाद मेडिवल टाइम में इंडिया का अरब्स के साथ ट्रेड हुआ करता था. ये सारा ट्रेड जो है ये सी रूट के थ्रू हुआ करता था. ठीक है, इनफैक्ट इंडो रोमन ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये पालघाट पास के थ्रू होता था. यहाँ पर आपको पालघाट पास मिलता है. रोमन्स के साथ जो भी ट्रेड आता था या जो भी शिप्स उनके यहाँ पर आती थी, वो पालघाट पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनके लिए. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट माने जाते हैं सदर्न इंडिया के. एक था अनाईमुड़ी एंड द सेकंड वन वाज डोडाबेट्टा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योग्राफी बिहाइंड हिस्ट्री एंड देन वी हैड स्टार्टेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था. इसमें हमने देखा था कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से कहाँ तक हुई थी और इसका मोस्ट एक्सेप्टेड ड्यूरेशन कौन सा है. ठीक है, सर जॉन मार्शल का एक यहाँ पर अंदाजा था. सर जॉन मार्शल वही बंदा है जिसने पहली बार इस पर्टिकुलर रीजन को इंडस सिविलाइजेशन कहा था. ठीक है, सर जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन. और उसके बाद सर जॉन मार्शल के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुए बाय डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स. और सबका अगर हम एक कॉमन अगर इसेंस देखें तो एक मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो उसको इसको माना जाता है 2500 BCE से लेके 1750 BCE तक. ठीक है, तो ये ड्यूरेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है. फिर उसके बाद हमने कल देखा था प्री हड़प्पन स्टेज, अर्ली हड़प्पन स्टेज, मैच्योर हड़प्पन स्टेज और लेट हड़प्पन स्टेज. प्री हड़प्पन स्टेज में मतलब हमने हड़प्पा के पहले देखा था कि कैसे एग्रीकल्चर यहाँ पर शुरू हो चुका था चालकोलिथिक एज में, है ना. किसी ने कल पूछा भी था, लाकेश ने कल पूछा था कि हमने एग्रीकल्चर इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ था. तो चालकोलिथिक एज से ही, जैसे 4000 BCE के आसपास ही इंडिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी. और ये प्री हड़प्पन स्टेज में भी आपको एग्रीकल्चर देखने मिलता है. ठीक है, अर्ली हड़प्पन एज में हमने देखा कि यहाँ पर विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स यहाँ पर बसने लगे थे. मैच्योर हड़प्पन स्टेज में हम देखेंगे कि ग्रेट सिटीज हैड इमर्ज्ड. ठीक है, और लेट हड़प्पन स्टेज में हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज भी डेवलप हो गए थे. एंड लास्टली द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर हैड स्टार्टेड. उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में कि कैसे डिक्लाइन हुआ था. उसके बाद हमने मैप पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखे थे जैसे रूपुर, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, चानूदाड़ो, हड़प्पा यहाँ पर है देखो आप, है ना. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लोकेट किए थे ऑन मैप. उसके बाद एक और इमेज हमने देखी थी, ये ज्यादा क्लियरिटी देती है हमें कि आज मॉडर्न डे इंडिया में कौन कौन से साइट है और जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये आपको आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में मिलते हैं. ठीक है, ये भी हमने कल देखा था इन डिटेल. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखी थी. ये एक ऐसा पेज है बच्चों जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है. यहाँ पर मैंने सारे फैक्ट्स को क्लब करके एक ही पीपीटी में या एक ही नोट्स में
डाल दिया है ना, एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा आपको पूछे जाएंगे, एक्सकेवेटर ऑफ मोहनजोदड़ो पूछे जाएंगे, तो उसको याद रखने की भी मैंने टिक बताई थी, दाड़ो से आपको दास याद रखना है ठीक है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो में एम फॉर मोहनजोदड़ो, एम फॉर मकाई और एम फॉर मजुमदार, तो मोहनजोदड़ो, मजुमदार, मकाई और दाड़ो से दास, तो ये याद रख लो ठीक है। उसके बाद हड़प्पा के याद रखना है आपको, हड़प्पा में, हड़प्पा से राम सानी याद रखो ठीक है, और माधो स्वरूप वत्सा और भीलर, ये आपको दो तीन नाम याद रखने हैं ठीक है। और उसके बाद हमने पोर्ट सिटीज देखे थे, आपको ऐसा सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। फॉर योर क्लैरिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दे आर वन एंड द सेम थिंग ओके। और ये कौन कौन से थे, लोथल था, सुक्काजेंडर था और बालाकोट था, हमने ये मैप में भी लोकेट किया था ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी थी, मोहनजोदड़ो है ना, ये हड़प्पा से भी बड़ी थी। सो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन जो है आपको अगर पूछी जाती है तो याद रखना आपको मोहनजोदड़ो थी, और मगर ये अभी मॉडर्न डे किधर है, ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में है ठीक है। तो अगर आपको ऐसा सवाल आता है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की जगह पे लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वर्ड अगर आ जाता है कि आज अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी सबसे लार्जेस्ट थी, तो वो आपको याद रखना है राखी गढ़ी थी ठीक है, जो आज आपको हरियाणा में मिलती है, साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस हैव एक्चुअली फॉल। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है वैसे ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में का मानना है कि यहाँ पर हॉर्सेस के ट्रेसेस मिले ही नहीं थे, कुछ किताबों का मानना है कि सुरकोटाडा गुजरात में एक जगह है जहाँ पर हॉर्सेस के कुछ रिमेन्स मिले थे हमें ठीक है, बट हावेवर इस पर क्लैरिटी नहीं है। और जो यूपीएससी का मानना है वो ये है कि यहाँ पर हमें हॉर्सेस का ट्रेसेस नहीं मिले थे ठीक है, तो इसीलिए, मगर फिर भी एक बार मैंने आपको ये दे रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरीली अर्बन है ना, ये पहला सिविलाइजेशन था इंडिया में जहाँ से अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है। सो फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैड बिगन विद, या फिर हैड स्टार्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज, तो आपको याद रखना है ऐसा सवाल आता है तो हड़प्पन एज या फिर इंडस सिविलाइजेशन एज आपका आंसर होना चाहिए ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरीली एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन कैसे था, क्योंकि हमें देखने मिला था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लोथल, रंगपुर, रुपुर या फिर राखीगढ़ी जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज इस पूरे इंडस सिविलाइजेशन में बसते थे ठीक है। उसके बाद आयन एंड लायन है ना, टू मेक इट इजी फॉर यू आई हैव मेंशन आयन एंड लायन वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, इस पर भी सवाल बनता है कि आयन या लायन इंडस पीपल को पता था या नहीं था ठीक है। जैसे हमने कल एक पशुपति महादेवा का पिक्चर भी देखा था जिसमें हमने देखा कि टाइगर वहां पर दिख रहा है, राइनोसोर दिख रहा है वहां पर, बफेलो दिख रही है, मगर वहां पे क्या नहीं दिख रहा है, लायन नहीं दिख रहा है। या फिर हमें इंडस सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी सील या ऐसी कोई भी पिक्चर या कोई भी पेंटिंग नहीं मिली जिसमें लायन को दिखाया गया हो, तो इस पे से एक अंदाजा ये लगाया स्कॉलर्स ने कि बाबा लायन भी इन लोगों को नहीं पता था ठीक है, आयन तो पता ही नहीं था, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के 200 साल बाद जो है आयन का इन्वेंट हुआ था 1500 BCE से लेके ठीक है, वो आयन एज में हम देखेंगे। तो उसके बाद हमने देखा था हड़प्पन वेयर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन है ना, हु विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, तो ऐसा सवाल आता है तो हड़प्पन आपका आंसर होना चाहिए ठीक है। कॉटन इतना फेमस था, इनफैक्ट कॉटन के लिए ही इंडस सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट जो ग्रीक्स या रोमन्स है वो इंडिया से कॉटन को इम्पोर्ट भी क्या करते थे ठीक है, और इनमें से जो ग्रीक्स है वो ग्रीक्स इन इस कॉटन को एक नाम दिया था उन्होंने, उसका नाम है सिंडन है ना, सिंडन कहा करते थे ग्रीक्स कॉटन को ठीक है। और जहां तक कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन की बात है, जब जिस वक्त हड़प्पा एग्जिस्ट कर रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त दुनिया में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थे, तो उसमें हमने देखा था एक मेसोपोटामिया था, एक चाइना था और इजिप्ट था। वैसे चाइना और इजिप्ट तो आप सबको पता है, मेसोपोटामिया क्या था ये भी हम इमेज पर देख चुके हैं ठीक है। अनुज पूछ रहे हैं सर उन्हें कॉपर पता था, डेफिनेटली उन्हें कॉपर पता था, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 4000 BCE से लेके 4000 BCE से लेके सर उनको 50 कॉपर पता था, अपन को इसका एविडेंस यहाँ से मिलता है करके, वो लोग राजा लोग ये करते थे ना अश्ववेधा वगैरह, तो घोड़े के हाँ ऊपर जो लिखते थे वो लोग कॉपर का प्लेट डालते थे और उसके ऊपर ही लिखते थे ना। यस वेरी गुड, मगर वो अश्वमेधा, मतलब देखो अश्वमेधा वो जो है ना लागेश, वो लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर की पहचान ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि हमें कॉपर के सील्स मिले, सील मतलब ऐसे कॉइन्स टाइप मिले हमें कॉपर के ठीक है, कुछ टूल्स भी मिले हैं, कुछ वेपन्स भी मिले हैं कॉपर के,
तो उसमें से हमें पता चलता है कि कॉपर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और अनुज को मैं बता रहा था कि ओके 4000 BC से 1500 BC का जो ड्यूरेशन है ना, इसको हम चालकोलिथिक एज बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, कि इसको चालकोलिथिक के अलावा मेटल या कॉपर एज भी कहते हैं, बिकॉज मेटल और कॉपर हैड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चा लोग, कि इस ये वही पीरियड है चालकोलिथिक या मेटल या कॉपर पीरियड, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलता है ना। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्यूरेशन क्या बताया मैंने आपको, 2500 BCE से लेके 2500 BCE से लेके 1750 BCE। तो अब देखो, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक एज ओनली, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब चालकोलिथिक एज, हाँ मतलब सर, जिसको हम मेटल या कॉपर एज बोलते हैं, उसी का पार्ट अगर हड़प्पन सोसाइटी में होगा, तो इनको कॉपर पता था कि नहीं था? डेफिनेटली पता था, समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट कॉपर का इस्तेमाल काफी जगह पर इन्होंने किया भी था, है ना। अपने एग्रीकल्चर में कॉपर यूज किया था, सील्स बनाने के लिए कॉपर यूज करते थे। ठीक है अनुज, समझ में आ गया? सो डेफिनेटली इनको कॉपर पता था। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। ये देखो, अब ये एक इम्पोर्टेंट जगह है हड़प्पा में, इसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ। तो ये देखो, ये जब ये पूरी प्रॉपर सिटी नहीं हुई है ना, ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है, आपको मिलेगा, है ना। तो अब ये ग्रेट बाथ क्या था, काफी लोगों ने इस पर डिस्कवरी करने की कोशिश की, और बाय एंड लार्ज ऐसा पता चला कि एक रिचुअल बाथिंग यहाँ पे होता था, है ना, एक कॉमन बाथिंग। रिचुअल मतलब लोग कुछ ऐसे रिचुअल टाइप ऐसे नहाते ना, आज भी इंडिया में आपको देखने मिलेगा, गंगा नहाने जाएंगे, गोदावरी नहाने जाएंगे, तो एक रिचुअल बाथिंग होता है ना, वैसा वैसा एक रिचुअल बेदिंग यहाँ पर हुआ करता था, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसके बाजू में ड्रेनेज सिस्टम भी था, यहाँ से बाहर पानी निकलने के लिए भी जगह थी नीचे से, और प्रॉपर यहाँ पर स्टेप्स थे, यहाँ पर नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए स्टेप्स थे। ठीक है, कपड़े बदलने के लिए जो है यहाँ पर प्राइवेसी भी लोगों की यहाँ पर ध्यान में रखी हुई थी, कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे रूम्स भी यहाँ पर बनाए हुए थे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेट बाथ। और आपको अगर पूछा जाता कि ये ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, तो ये हमें मिला था मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा देखो, ये एक स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बताओ रे, कोई बताएगा क्या मेरे को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, बोलो। सिटाडल हाँ, वेरी गुड, सीटाडेल, है ना, सीटाडेल कहेंगे इसको। सीटाडेल नाम का एक स्ट्रक्चर किसी भी बड़े टाउन के बाहर ये होता था। ठीक है, इट्स लाइक अ एंट्री गेट, है ना, एक ऐसा एक एलिवेटेड पोडियम होता था, जैसे एक एलिवेटेड जगह होती थी थोड़ी सी ऊंचाई पर, वहां पर ही सिटाडेल जैसे एक जैसे किला टाइप छोटा सा बंदा होता था, और उसके नीचे जो है शहर बसा हुआ था। ठीक है, सो सिटाडेल्स लाइक अ एंट्री गेट, है ना, विच वर बिल्ट ऑन अ एलिवेटेड पोडियम या फिर एलिवेटेड प्लेस। ठीक है, और बाकी नीचे के जगह पे जो है वो शहर या फिर जो भी गांव था वो बसता था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सिटाडेल। तो ये सिटाडेल आपको देखने मिल रहा है, ये बाकी नोट्स में भी है रिटन फॉर्म में। टाउन प्लानिंग काफी अच्छी खासी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर ग्रेड सिस्टम हुआ करते थे जैसा आज भी है, जैसे आप देखो यहाँ से ऐसा एक रोड जा रहा होगा, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रोड उसको कनेक्ट कर रहा होगा, है ना, ऐसा दूसरा रोड जा रहा होगा, फिर यहाँ से तीसरा रोड कोई ऐसे जाएगा। ग्रेड टाइप था ना। हाँ, तो ये ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम, है ना। तो प्रॉपरली रोड जो है एक दूसरे को राइट एंगल में क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, कट कर रहे थे, और उसके अलावा ग्रिड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये जो देखो ऐसा टाइप का जो सिस्टम होता है ना, ऐसा टाइप का जो सिस्टम होता है ना, इसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। आज भी हमारे रोड सिस्टम ऐसे ही ग्रिड सिस्टम टाइप ही डेवलप्ड है, तो इतना प्रॉपरली डेवलपमेंट इनका था, रोड सिस्टम जो थे इनकी ऐसे ग्रिड टाइप बनाए हुए थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की जहां तक बात है, तो ड्रेनेज भी हर घर के सामने से एक ड्रेनेज गुजरता था, उस ड्रेनेज को ऊपर से ढका भी जाता था, और ताकि हाइजीन का ख्याल भी रखते थे लोग। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली डेवलप था, रास्ते के किनारे से घर के सामने से ऐसे कवर्ड ड्रेनेज था। ठीक है, और ग्रेट बात की तो बात मैंने आपको की, जो आपको हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर प्रॉपरली बिल्ड था। इसके अलावा घर बनाने के लिए जो है बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। देखो मतलब ये हम बात कर रहे हैं 2500 BCE की। ठीक है, 2500 BCE की, मतलब लगभग 4500 साल पहले की, 4500 साल पहले की बात हो रही है। आज भी अगर देखोगे हम, तो आज भी घर बनाने के लिए जो है बर्न ब्रिक्स का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी डेफिनेटली हुआ है। जैसे आप अगर सर ग्रेट, एक हाँ बोलो क्वेश्चन था सर, कि बोलो ना। ब्रिक्स जो रहता है उसको नॉर्मल डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, उसको बर्न क्यों करते हैं अपन?
क्योंकि नॉर्मल यूज करने, अब ये तो काफी ऐसा सवाल हो गया कि देखो नॉर्मल यूज करेंगे ना हम उसको, तो नॉर्मल यूज करने में भीगने के या फिर उसके फिर से क्या बोलेंगे उसको, पिघलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बर्न ब्रिक्स क्या होता है ना, एक मजबूती मिल जाती है, बर्न ब्रिक को एक मतलब उसको मजबूती पकाते मिलती हैं ना। है। हाँ, उसको पकाते हैं, उसको मुकम्मल बनाते हैं, ताकि कोई भी अगर नेचुरल ऐसे जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे बारिश गिर जाए या कुछ आग वाग टाइप लग जाए, तो वो ऑलरेडी उसके लिए उस वक्त तक रेडी हो जाती है। ठीक है, बर्न ब्रिक नहीं होगी तो वो उतनी मजबूत नहीं होगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तो इतना ही बता सकता हूँ इसके ऊपर, बाकी आपको इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ेगा कि बर्न ब्रिक्स का ज्यादा क्या है, क्यों बर्न ब्रिक्स को बर्न कर देते तब यूज करते हैं। ठीक है, बट मेरा मानना ऐसा है कि बर्न करने के बाद वो ज्यादा स्ट्रांग बनते स्ट्रॉन्ग हैं, हो जाता है। ठीक और हाँ, और पानी वानी से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिघलने है के सर। चांसेस भी कम हो सकते हैं। तो ये सब हमें देखने मिलता है कहाँ पे, टाउन प्लानिंग में, किसके, हड़प्पा के। तो ये सारे इसके क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक फीचर्स है किसके, हड़प्पन टाउन प्लानिंग में। अब देखो मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे थे, तो ये वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया मतलब आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता, मगर जब एग्जिस्ट करता था तो यहाँ पर ईरान का थोड़ा सा पार्ट था। देखो यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक का भी थोड़ा सा पार्ट था, और यहाँ पे देखो ये सीरिया है। ठीक है, तो ये सीरिया आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये इधर ईरान इराक है, और ये जो बाकी का है ये ईरान है। तो आज आप देख लो, आज का थोड़ा सा ईरान का पार्ट, इराक का पार्ट और सीरिया का पार्ट, ये मिलकर यहाँ पे ये बनता था मेसोपोटामिया। और ये वो मेसोपोटामिया है, इंडिया जब जब यहाँ पर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था, उस वक्त यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया के साथ इंडिया के, या फिर उसके अलावा यहाँ पे यूरोप में जो ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, उसके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन भी हुआ करते थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। नो, इसके बाद हमने इकोनॉमिक लाइफ भी डिस्कस की है ना, एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट इनका क्या बोलेंगे इसको, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन चुका था। एग्रीकल्चर सोसाइटी बनने से पहले जो सोसाइटी थी उसको हम क्या बोलेंगे बताओ मुझे, बस सुनो ही मत, थोड़ा सा याद भी क्या करो और पार्टिसिपेट भी क्या करो। क्या था एग्रीकल्चर के पहले, क्या करते थे लोग एग्रीकल्चर डेवलप होने के पहले? हंटिंग एंड गैदरिंग। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एग्रीकल्चर आने से पहले क्या होता था, ऑक्यूपेशन मेन क्या था इनका, हंटिंग एंड गैदरिंग है ना। हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो भी हमने देखे थे, और उससे क्या लिमिटेशन थे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, मगर एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट हुआ तो एक सेटल लाइफ इनकी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छे खासे पैमाने पर हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमें व्हीट के, बार्ली के, सीजेम के, मस्टार्ड के, कॉटन के और राइस के भी इनफैक्ट एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, हालांकि राइस का एविडेंस हमें सिर्फ दो ही जगह पर मिलता है, लोथल और रंगपुर है ना, लोथल और रंगपुर दोनों के दोनों कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रेसेस ऑफ राइस हैव एक्चुअली बीन फाउंड। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको लोथल और रंगपुर होगा तो टिक करके आना, क्योंकि यही दो जगह है जहाँ पे राइस के एविडेंस मिले। बाकी अमूमन तौर पे ये वीट, बार्ले, सीजन, मस्टर्ड, कॉटन तो लगभग हर जगह इंडस सिविलाइजेशन में बनता ही था। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला ये सब, देखो इसके अलावा सरप्लस ग्रेन जो है ये भी स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में। हमने कल ग्रेनरीज का भी पिक्चर देखा था, जैसे ये ग्रेनरीज है, ये ग्रेनरीज है आज भी जो है, हम हमारे फार्म के बाजू में या हमारे फार्म में ही ऐसा एक स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं जहां पर हम हमारे सरप्लस को स्टोर कर सके। तो वैसा ही स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोगों का बना हुआ था है ना, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था वो यहाँ पर स्टोर करके रखते थे। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें नहीं दिख रही आपको, वो दीवारें यहाँ पर नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसा था वैसा नहीं दिख रहा है, पर इससे एक अंदाजा तो लग गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें राइस, क्या बोलेंगे, व्हीट, बार्ली, ये सब चीजों के एविडेंसेस मिले हुए है ना। तो हमें पता चलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में अपने सस्टेनेंस के अलावा लोग सरप्लस को भी प्रोड्यूस करते थे, और वो सरप्लस जो है ऐसे ग्रेनरीज में, मतलब एक स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाता था, जो कि फिर बाद में ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक लाइफ ऐसे तरह से डेवलप थी। ठीक है चलो, और जो पॉटरीज थी उस वक्त हमने देखा था कि ऐसी पॉटरीज थी, इसको हम रेड एंड ब्लैक पॉटरीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसे सर्कल टाइप, यू नो, प्रॉपर एकदम अच्छी सी डिजाइन भी यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखो इसके, मैथमेटिकली स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इसके एकदम एप्ट स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इतना अच्छा खासा ये जो है सिविलाइजेशन
ऐसे तरीके के जो मटके ना आज भी आपको मार्केट में देखने मिलते हैं। 2 दिन पहले ही मैं अच्छा, मार्केट में गया था मटका लेने, तब भी मैंने एज इट इज ऐसे स्ट्रक्चर देखा है। मार्केट खुला है सर? अच्छा, हाँ, अरे 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अत्यावश्यक सेवा है। हमारे घर के पास एक शॉप है जहाँ पर ये मटके उटके मिलते हैं, वो पता नहीं वो कैसे चल रहा है, मगर वो मे भी उसको एसेंशियल सर्विसेज में काउंट किया होगा उन्होंने। बट मैं लेने सही गया है था सही तो है। आपने ऐसा मुझे एज इट इज ऐसे ही मटका हुआ था, मुझे आज भी देखने मिला है। ठीक है, तो लिया देखो, सर? हाँ ऑफ कोर्स लिया ना, और फ्रिज का पानी रिस्की आजकल, इसीलिए थोड़ा मटके का पानी जो ठंडा पीना है। इनफैक्ट मैं तो अभी वो भी अवॉइड कर रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर हाँ रहा हूँ सर, हेल्थ ध्यान के रिलेटेड। रखो सर, ध्यान मार्केट रखो एनी अपना। वे। चलो, सोशल लाइफ क्या थी, हमने ये देखी कि बाबा मेन क्या पहनते थे, बिट्स पहनते थे, ज्वेलरीज वर यूज बाय वुमेन। ठीक है, उसके अलावा कॉस्मेटिक का भी इस्तेमाल होता था, चिल्ड्रन के लिए टॉयज होते थे, फिशिंग, बुलिंग, ठीक है, हंटिंग, ये सब क्या होता था, ये उनका पास टाइम हुआ करता था, ये सोशल लाइफ भी हमने देखी थी। देखो, ये बीड्स है, बीड्स मतलब मनी, है ना, ये बीड्स के जो है चीज है, ये मैन और वुमेन दोनों इस्तेमाल करते थे। देखो, ये सारे टाइप की बीड्स है, आज भी करते हैं, आज भी आपको देखने मिलेगा, काफी मेन्स के हाथों में होता है या गले में होता है, मनी की हार होगी या फिर हाथ में ब्रेसलेट होगा, तो ये तो आज भी होता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको देखो, मतलब जो 4,500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, वो आज भी लोगों ने एज इट इज उसको मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, ज्वेलरीज देखो, ये सारी ज्वेलरीज थी जो वुमन इस्तेमाल करती थी, ये बैंगल्स वैंगल्स टाइप, ठीक है, ये सारा कौन इस्तेमाल करता था, ये वुमन इस्तेमाल करती थी। ठीक है, और ये ऐसी कुछ चीजें थी जो मेन भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो बीड्स की मतलब मनी की सिर्फ, बाकी ज्वेलरी सिल्वर गोल्ड से जो बनी होती थी वो सिर्फ वुमन इस्तेमाल करते थे। और जो हमने टॉयज की बात की, तो ऐसे ऐसे इस तरीके के टॉयज भी वहां पर बने थे। ठीक है, इन टॉयज पे से पता चलता है कि क्या क्या एग्जिस्ट करता था उस समय में, है ना। ऐसे देखो, ऐसे कार्ड्स थे, ऐसे बुलक कार्ड्स भी था वहां पर, ये देखो ये इस तरीके के, तो ये भी वहां पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, सर उसके, हाँ बोलो। सर मैंने ना किधर तो सब पढ़ा था कि हड़प्पन साइट में ना अपन को एक टॉय मिला था जो मतलब ऐसा हवा में उड़ता वगैरह भी था, ऐसा मतलब सच हड़प्पा में अपने को ऐसा टॉय मिला था जो है क्या? जो ऐसा हवा मतलब में उड़ता उड़ता था। था? हाँ, उड़ता बिड़ता था। अच्छा, नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, देखना पड़ेगा सोर्स, मतलब आपने किस सोर्स से पढ़ा है वो भी जरूरी नहीं है। सर, मैंने ना पढ़ा था, किधर पढ़ा था वो याद नहीं है, बट मेरे क्लासेस में था ना, मैं महेश में, तो वहाँ पे हाँ एक सर थे, तो उन्होंने हाँ मेरे को बताया भी था ये बात। अच्छा, नहीं, मुझे देखना पड़ेगा फिर, आई नीड टू चेक इट, क्योंकि मैंने अभी तक जब तक पढ़ा, जहां तक पढ़ा है, पहले क्या बोला है? कितने 3 साल पहले मिला था वो, साल पहले? 3 4 साल पहले मिला था। 3-4 साल पहले मिला था। अच्छा, हाँ, मिला देखना पड़ेगा फिर, के टॉय देखो। के बाद बारे में बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, देखना पड़ेगा, चेक करके बताता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता है, एटलीस्ट अभी के लिए तो मुझे नहीं, उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं। ठीक है, चलो, जहां तक रिलीजन की बात है, हमने देखा था आइडिया ऑन रिलीजियस लाइफ हड़प्पन्स फ्रॉम, देखो हड़प्पन्स जो है नॉर्मली ट्रीज और एनिमल्स, ये नॉर्मली नेचुरल फोर्सेस का वर्शिप करते थे। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस, जैसे इनको पता चला कि देखो सन आ रहा है बाबा, है ना, कुछ तो नेचुरल पावर है, ट्रीज है ना, छोटे से अपने आप बड़े हो जा रहे हैं ना, एनिमल्स है, एनिमल्स जो है तुमको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं ना, दूध मिल रहा है उनसे तुम्हें, और उनसे तुम्हें मांस मिल रहा है, तो ये जो चीजें हैं जो जो उनको फायदा पहुंचाती थी, या जो सुपर नेचुरल पावर उनको लगता था कि इसमें कुछ तो पावर है, कुछ तो डिस्टिंक्टिव थिंग है इसके अंदर, जैसे वुमन के पास कंसीव करने की पावर थी जो मेन के पास थी, है ना, वुमन कुड कंसीव एंड डिलीवर अ चाइल्ड विच मेन कुड नॉट। ठीक है, तो इवन इनफैक्ट मेन अभी भी नहीं कर पाते। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कुछ जो भी सुपर नेचुरल पावर या कुछ भी ऐसी डिस्टिंक्टिव चीज उनको दिखती थी ना, तो उसको वर्शिप करने लगते थे। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस की भी वर्शिप होती थी, और मदर गॉडेस भी थी, मदर गॉडेस भी थी, मतलब एक लेडी को भी यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें कुछ जो है ना एविडेंसेस मिले। देखो, जैसे ये देखो, ये पशुपति महादेव है, पशुपति महादेव गॉड ऑफ एनिमल है ना, गॉड ऑफ एनिमल, और ये एक है मदर गॉडेस, ये है मदर गॉडेस। ठीक है, पशुपति महादेवा के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, सराउंडिंग एनिमल क्या क्या है ये भी देखा था, पैर के पास 2 शीप डियर्स भी है ये भी देखा था। ठीक है, उसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात जब होगी, तो वो ये है कि अब फिगर्स ऑफ मेन वुमेन एनिमल्स एंड बर्ड्स मेड अप ऑफ टेराकोटा, टेराकोटा इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सॉइल, है ना, एक सॉइल का टाइप है टेराकोटा, उससे कुछ बनते थे। जैसे अभी मैंने आपको टॉयज बताया ना पीछे, वो टॉयज भी मेजोरिटी ऑफ द टॉयज वर मेड अप ऑफ टेराकोटा सॉइल।
ठीक है। अब वो टॉयज के अलावा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पशुपति महादेव का सील बताया, सील तो खैर कॉपर का बना होगा, मगर जैसे मैंने आपको ये मदर गॉडेस की स्टैचू बताया ना, वो भी जो है टेराकोटा सॉइल से बनी हुई स्टैचू है, ठीक है। तो ऐसे मैन एंड वुमन के फिगर्स, एनिमल के फिगर्स या फिर कोई भी टॉयज, ये जो भी बनता था ये टेराकोटा से बनता था, ठीक है। इसके अलावा आर्ट में हमने देखा था कि डांसिंग गर्ल का भी हमें एविडेंस मिला है, ठीक है। डांसिंग गर्ल हमें देखने मिलती है मोहनजोदड़ो में, आप में से काफी लोगों ने वो डांसिंग गर्ल देखी होगी। ये सब लोग, ये सब आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, हम बस उसको एक स्ट्रक्चर मैनर में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डांसिंग गर्ल। और ये डांसिंग गर्ल भी हमें कहाँ मिली है, देखो इसका एक हाथ जो है अपने हिप पर है और दूसरा जो है लूजली हैंग हो रहा है नीचे, ठीक है। और कितने सारे बैंगल्स उसने पहने हुए इसमें, तो इसमें से पता चलता है कि एक ऐसा भी कल्चर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है, डांसिंग गर्ल का। तो ये कहाँ पे था, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली थी, अगर पूछा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो याद रखना मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है। डांसिंग गर्ल के अलावा एक प्रेस्ट किंग मिला था हमें, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था, ठीक है। पॉट्स एंड जार्स वर पेंटेड विथ वेरियस डिजाइन्स, ठीक है। पॉट्स और जार्स वगैरह बनाए जाते थे, पेंटेड पॉटरी यहाँ पे होती थी, जैसे मैंने आपको पॉटरी का पिक्चर बताया जिसपे पेंटिंग से वेरियस है ना, अलग अलग फीचर से, अलग अलग ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल वहाँ पर आपको फिगर्स भी देखने मिलेंगे, ओके। सो पिक्टोरियल मोटिव्स कंसिस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जैसे मैंने आपको बताया भी। स्ट्रीटाइट वॉज मेनली यूज इन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स। अब स्टीटाइट क्या होता था, स्टीटाइट भी इज अ काइंड ऑफ टैल्क, अब जैसे पाउडर होता है आपने देखा है ना, एक सॉफ्ट पाउडर टाइप, एक यू नो आपको पता होगा कि एक ऐसी कोई सॉइल होती है जो फिनिशिंग के लिए ऊपर से एक आपको ना एक सॉफ्ट टच के लिए जो लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर या फिर किसी भी टॉय पर, है ना, तो उसको स्टीटाइट बोलते हैं। तो स्टीटाइट जो है ये मेनली यूज होता है सील्स बनाने के लिए, जैसे कॉइन बनाने के लिए, ताकि उस पर जो है उसका सरफेस जो है वो थोड़ा सा प्लेन दिखे, ज्यादा चिकना रहे, ठीक है, ज्यादा वो डिस्टेबल ना दिखे, स्टेबल ऐसे चिकना दिखे, इसीलिए स्टीटाइट का इस्तेमाल होता है। स्टीटाइट इज नथिंग बट, याद रखो, इज अ काइंड ऑफ टाल्क ओनली, है ना, एक पाउडर टाइप, ठीक है, जिससे सरफेस जो है ज्यादा क्लियर या फिर प्लेन बनेगा, ओके। तो स्टीटाइट याद रखो यहाँ पर इस्तेमाल होता था। ये देखो ये प्रिस्ट किंग जो बोला ना मैंने आपको, मोहनजोदड़ो में मिला था वो ये वाला प्रिस्ट किंग, ठीक है। इसने देखो एक साइड पर शॉल पहनी हुई है। अभी प्रिस्ट किंग आप ऐसे मत बोलना कि सर ये शोले के ठाकुर जैसा ही लग रहा है, बट ये शोले का ठाकुर नहीं था, इसको भी बाद में किसी गब्बर में शायद मारा हुआ दिख रहा है या फिर ये गिरा हुआ दिख रहा है या जो भी है, ठीक है, जिसके वजह से उसका हाथ वाथ टूट गया है और वो प्रॉपरली अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रेस्ट किंग भी यहाँ पर हमें मिला था और ये भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ आपका। अब देखो देर इज नो यूनानिमस व्यू, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव मेंशन हियर इज देर इज नो यूनानिमस व्यू। व्हाट डज दैट मीन, कि एक कॉमन सहमति नहीं है अभी स्कॉलर्स का कि हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ कैसे था। कुछ स्कॉलर का कहना है कि कुछ नेचुरल कलामिटीज आए होंगे, जैसे फ्लडिंग आई होगी या फिर यू नो ड्रॉट आ गया होगा या फिर ओकेजनल अर्थक्वेक्स की वजह से हुआ होगा। तो नेचुरल कलामिटी कुड बी रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, बट हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर द फाइनल ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय द इन्वेजन ऑफ आर्यंस। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पन के डिक्लाइन के पीछे आर्यंस का इन्वेजन भी इम्पोर्टेंट वजह है, क्योंकि आर्यंस केम विथ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर वेपन्स, या फिर उनके पास हॉर्सेस भी थे जो कि हड़प्पन के पास नहीं थे। हड़प्पन को हॉर्सेस का इतना ज्यादा नॉलेज था नहीं और उनको वॉर में कैसे इस्तेमाल करता है ये भी उनको नहीं पता था, जबकि आर्यंस जो है ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी इनके पास, इनके पास वेपन्स भी अच्छे खासे थे, ठीक है, और घोड़े का इस्तेमाल इन्होंने वॉर में किया था, तो उनके पास एक यू नो एक एडवांटेज था ओवर हड़प्पन पीपल। तो कुछ स्कॉलर ये भी मानते हैं कि आर्यंस का जैसे एडवेंट हुआ इंडिया में और आर्यंस केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द हड़प्पन पीपल एंड द फाइनल ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय दिस आर्यंस टू दिस ओवर दिस हड़प्पन पीपल। तो ऐसा कहता है कि इनके डिक्लाइन के पीछे जो है या फिर इनके खत्म होने के पीछे आर्यन भी ऐसी एक वजह हो सकती है, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे हमें डिस्कवरी ऑफ एन ह्यूमन स्केलेटन मिले, ह्यूमन स्केलेटन काफी सारे, मतलब एक ही जगह पर काफी सारे ह्यूमन स्केलेटन हमें मिले हैं, ठीक है, तो वो ये दर्शाता है कि मास किलिंग एक ही जगह पे हुई होंगी, जिसकी वजह से आज भी वहां पर हमें स्केलेटन ह्यूमंस के, काफी सारे ह्यूमंस के एक ही जगह मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग इसके ऊपर ओपिनियन है कि हड़प्पन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो याद रखना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई एक क्लियर कट एविडेंस नहीं है हमारे पास जिससे हम बता सके कि हड़प्पन का डिक्लाइन कैसे हुआ था, बट कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल कैलामिटी कुड बी रीजन
एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर दे बिलीव दैट एडवेंट ऑफ आर्यंस वर द अदर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ आर्यंस. ठीक है चलो, तो ये था आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स एज वेल एज स्विफ्ट हॉर्सेस, जैसे मैंने आपको बताया. तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्यंस. ठीक है एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ो. ये मैं आपको पिछले बैच में भी बता चुका हूँ, इससे दो तीन चीजें क्लियर हो रही है हमारे, है ना. ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें राइट है और कौन से रॉन्ग है. यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है. यहाँ तुम खुद पढ़ो इसे और चैट बॉक्स में इसका जवाब दो मेरे को, थोड़ा लेंदी है बट पढ़ो इसको. बताओ जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है लेक्चर में सबने अटेंड करना चाहिए. थर्ड वन क्या? थर्ड वन क्या? आर्य बोल रहे हैं कि ओनली वन, लाकेश बोल रहा है ओनली थर्ड. देखो अभी मैंने बताया ना रे, अभी हमने जो डिस्कशन किया ना वो डिस्कशन इनफ है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. बताओ तो फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो जाता है ना. फर्स्ट वाला कैसे एलिमिनेट होगा रे पापा? हेलमेट वगैरह से बात ही नहीं होना चाहिए. ठीक है हेलमेट की बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं. मगर ये बात तो पता ना तुमको कि आर्यंस के पास जो है ज्यादा सुपीरियर वेपन्स थे, ज्यादा सुपीरियरिटी थी एज कंपेयर टू हड़प्पन पीपल. हां सर, सर सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाले में आयन दे दिया और थर्ड वाले में दिखा करके उनको कोई भी एनिमल पता ही नहीं था. वो बात नहीं, उनको पता था एनिमल्स ना. नहीं 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 फिर तुमने थर्ड स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़ो. वो नॉर्मल एनिमल की बात नहीं हो रही थर्ड स्टेटमेंट, सिर्फ हॉर्स की बात हो रही है, सिर्फ हॉर्स की बात हो रही है. यही तो कैच होता है ऐसे स्टेटमेंट. बहुत देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. ओके तो काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है कि थर्ड स्टेटमेंट राइट है, कुछ बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. देखो इसमें एक बात तो तय है, इसमें एक बात तो तय है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया आयन एंड लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल. और ये क्या बोल रहा है, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयन. है ना, आयन पता था कि इंडस वैली वालों को नहीं पता था. ठीक है तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है. और यहाँ पर इनका क्या कहना है कि न्यू ओनली कॉपर एंड आयन, ऐसा है क्या? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज बताया ना जो हड़प्पन पीपल यूज करते थे. ठीक है तो गोल्ड और सिल्वर हड़प्पन को भी पता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपर पता था उनको. ठीक है तो दोनों मायनों में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट की अगर जहां तक बात है, पहला स्टेटमेंट तो हम डिस्कस कर देते, तीसरा स्टेटमेंट की जहां तक बात है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स. डेफिनेटली उनके पास हॉर्सेस थे. ठीक है और हॉर्सेस के ही तो दम पर या फिर जो था उनको एक एडवांटेज मिला हुआ था ओवर हड़प्पन्स. वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल. इंडस वैली पीपल में ऐसा कुछ ये एनिमल के बारे में, हॉर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था. तो ये भी राइट स्टेटमेंट है. ठीक है तो आप देखो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ऐसा क्यों समझती कि नहीं था, क्योंकि ये यूपीएससी का सवाल है और यूपीएससी ने अपने आंसर की में इस स्टेटमेंट को सही बोला है. तो जब यूपीएससी अपने आंसर की में इस स्टेटमेंट को सही बोल रही है, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी का मानना है कि इंडस वैली पीपल को हॉर्स के बारे में जानकारी नहीं थी. इज दैट क्लियर? ठीक है तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है. ठीक है देखो किसी सोर्स, कोई सोर्स पढ़ने से बेहतर है यूपीएससी, सीधा यूपीएससी क्या बोलती है वो देखना.
उससे बड़ा कोई ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एग्जामिनेशन है एनडीए वो भी तो यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यूपीएससी का माइंड ज्यादा जरूरी है, यूपीएससी का थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस, ठीक है। देखो हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हिस्ट्री में ऐसे इसके चांसेस बहुत होते हैं कि कुछ चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हो, कुछ चीजें पर यूनानिमिटी ना हो, किसी में किसी का आंसर कुछ और दिया हो, किसी ने किसी का आंसर कुछ और दिया हो, ऐसे ऐसी तो ऐसी कुछ चीजें हैं हिस्ट्री में, ठीक है। मगर हमारे पास सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है, एक तो एनसीईआरटी या फिर दूसरा यूपीएससी की आंसर की, ठीक है। चलो और तो हम भी हमारे पॉलिटी क्या बोला, का स्टार्ट करोगे? पॉलिटी आपका हो रहा है ना शायद, मेरे ख्याल से वकील मैम ले रहे हैं आपका पॉलिटी, नहीं सर, वो इंग्लिश दे रहे हैं। मतलब वकील मैम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी थोड़ी। पर मेरे को शेड्यूल में तो उनका नाम के आगे पॉलिटी लिखता है। एनीवे आई डोंट नो, मैं तो सर सर आप से पूछो ना बात, एक बार भैया को। हाँ भैया से कंफर्म कर लूंगा मैं कि पॉलिटी भी पढ़ाना है इस बार भी, और वो जल्दी कंफर्म करूंगा ताकि प्लान कर पाए हम अच्छे से हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी और करंट अफेयर्स का। एनीवे मैं बात करता हूँ सर से, एक दो दिन में बात हो जाएगी हमारी और फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या मुझे लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट कर देंगे वैदिक कल्चर, ठीक है। देखो आज हम हिस्ट्री ले ले रहे हैं पूरा, कल से हम क्या करेंगे, आधा लेक्चर हमारा हिस्ट्री का होगा और आधा करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो कल से हमारा हाँ सर सही लेक्चर रहेगा वो। 40 मिनट्स हम हिस्ट्री करेंगे और 40 मिनट्स करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। चलो वैदिक कल्चर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैदिक कल्चर का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे, ये 1500 से लेके 600 BCE तक का इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। 1700 BCE तक हड़प्पन कल्चर जो है यहाँ पर हमें खत्म होता हुआ मिलता है, और 1500 BCE से 600 BCE तक हमें वैदिक एज मिलता है, इसी एज को हम आयन एज भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आर्यंस का होमलैंड क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, है ना। अगेन अगेन इट इज स्टिल अ कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट एंड देर इज नो यूनानिमस व्यू अमंग द स्कॉलर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। कुछ स्कॉलर का मानना है कि आर्यंस जो है ये नेटिव इंडियंस ही थे, कुछ स्कॉलर्स का मानना है आर्यंस जो है ये टिबेट से आए थे, कुछ स्कॉलर का मानना है कि आर्यन जो है ये यूरोप और आर्टिक रीजन से आए थे, और कुछ स्कॉलर का मानना है कि आर्यन जो है ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो अलग अलग थेरीज है आर्यन के ओरिजिन के बारे में, मगर बाय एंड लार्ज जो है कौन सी थेरी एक्सेप्ट की जाती है, तो वो है सेंट्रल एशिया वाली, ठीक है, कि आर्यन का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है। क्यों ऐसा है, क्यों बाय एंड लार्ज क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर जो है एक काफी फेमस ब्रिटिश मैन थे, ठीक है, हिस्टोरियन, या फिर इनके काफी जगहों पर इनके काम मिलेंगे आपको, तो उनका कहना है कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब एक एविडेंस हमें ऐसा भी मिलता है कि सेंट्रल एशिया से आने की थ्योरी इस तरह से पुख्ता होती है कि बोगाज का इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें एशिया माइनर में। एशिया माइनर मतलब वो जगह का नाम है जिसको आज हम टर्की बोलते हैं, है ना, अर्लियर इट यूज टू कॉल एशिया माइनर, ठीक है। तो टर्की जो है आज का मॉडर्न डे, ये सेंट्रल एशिया में माना जाता है, ठीक है। और टर्की में हमें कुछ एक इंस्क्रिप्शन मिले हैं जहां पर कुछ वैदिक गॉड्स का मेंशन है, जैसे इंद्र, वरुणा, मित्र और नसत्यास, ये जो वैदिक गॉड्स है ना, इन सब का मेंशन ही हमें बोगाज़ का इंस्क्रिप्शन में मिलता है जो कि टर्की में है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारा जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन का जो पॉइंट है उसको और मुकम्मल बनाता है, ठीक है, आर्यंस का। उसके अलावा ईरान में भी वो रुके थे, ईरान में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं आर्यंस के कल्चर के, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हमें पता चलता है कि टर्की से लेके, ईरान से लेके फिर वो इंडिया में मूव किए थे, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज कौन सी थेरी एक्सेप्ट की जाती है आर्यंस की, सेंट्रल एशिया वाली, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती पर इस साल सवाल था, स्वामी दयानंद सरस्वती पर इस साल सवाल था, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना भी ये था कि आर्यंस का जो ओरिजिन है वो टिबेट है, ठीक है, टिबेट। अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम विच रीजन, दे केम टू इंडिया फ्रॉम टिबेट, ठीक है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अलग अलग म्यूज अलग अलग पर्सनलिटीज के या स्कॉलर्स के, एनीवे बट मैंने आपको बताया कि बाय एंड लार्ज कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है, सेंट्रल एशिया वाली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमलैंड और द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। नाउ लेट अस मूव ऑन।
हाँ सही, आर्यन, आर्यन बोल रहा हूँ, आर्य कुंवर। देखो थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें वैदिक कल्चर के बारे में, या जो वैदिक ड्यूरेशन था जिसको हम बोलते हैं 1500 BC से लेके 600 BC का जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से आई है? चलो सोर्सेस क्या है हमारे जानकारी के, तो सोर्सेस ये है वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद। ठीक है, तो ये सोर्सेस है हमारे जानकारी के। ये जो वेदास है या फिर ब्राह्मण्स है या फिर अरण्यकास है, उपनिषद है, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, और वो चीजें पढ़ने के बाद ही उनको जब डेसिफर किया गया, उससे हमें पता चलता है कि ये वक्त कैसा था, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, यहाँ की पॉलिटी क्या थी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जानने की। तो वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ फोर लिटरेरी प्रोडक्शंस। सबसे पहला है संहितास, संहितास को वेदास भी कहा जाता है। दूसरा है ब्राह्मण्स, ठीक है, और तीसरा है अरण्यकास, और चौथा है उपनिषद। अब वेदास में भी आपको चार मिलेंगे, है ना, इसमें एक अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और एक कौन सा है बाबा बताओ तो? चार वेदास कौन कौन से है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और क्या क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें भी हमको चार मिलेंगे। तो हम आप नेक्स्ट स्लाइड में ये वन बाय वन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। हालांकि इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी एक बार ये पता होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो यूपीएससी किस साल कहाँ पे पलट जाए, ठीक है, कैसा सवाल पूछ ले, यू नेवर नो। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसको अभी हम। सो वेदास कंप्राइजेस ऑफ फोर मेजर टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स मतलब क्या होता है बाबा? हिम्स मतलब क्या है बताओ तो, अरे किसी को बताया गया? हिम्स मतलब क्या? ऋग्वेदा इज कलेक्शन ऑफ हिम्स। अरे श्लोक ना सर। हाँ, श्लोक, डिवोशनल सॉन्ग्स जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो हिम्स। ठीक है, तो ऋग्वेदा इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हिम्स। जहां तक सामवेदा की बात है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ओनली। ठीक है, तो म्यूजिकल चीजें जो है सामवेदा में आपको मिलती है। जहां तक यजुर्वेदा की बात है, इट इज अ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। सैक्रिफिशियल फॉर्मूला ऐसी है ना, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला मतलब क्या रहे होगा, जैसे कोई यज्ञ कर रहे हैं या जो भी कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कोई सैक्रिफाइस सैक्रिफिशियल रिचुअल हो रहा है, तो उसमें क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने चाहिए, क्या क्या मंत्र पढ़ने चाहिए, ये सब कहा दिया हुआ है, ये यजुर्वेदा में दिया हुआ है। ठीक है, और जो चौथा है और आखिरी है अथर्ववेदा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स, दे आर ऑल कलेक्टेड फ्रॉम ऋग्वेदा ओनली। ठीक है, तो अथर्ववेदा जो है ये एक मिनी पार्ट है ऋग्वेदा का। इसके अलावा वेदास के अलावा हमारे हमने और क्या क्या देखा था? ब्राह्मण देखा था, अरण्यकास देखा था और उपनिषद देखा था। ठीक है, ब्राह्मण कंटेन्स ऑब्जर्वेशन ऑन वेरियस सैक्रिफिशियल राइट्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, अरण्यकास जो है बेसिकली एक फॉरेस्ट टैक्स। अरण्य का मतलब, अरण्य का मतलब ही क्या होता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टैक्स मतलब जो भी हर्मिट्स या फिर सन्यासी लोग हैं या फिर जो जंगल में रहा करते थे और उनसे जो शिक्षा लिया करते थे जो स्टूडेंट्स, ठीक है, उन लोगों ने मिलके जो बनाया है, उन लोगों ने जो मिलके लिखा है, मतलब तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने या फॉरेस्ट में रहने वाले सन्यासी लोगों ने, हर्मिट्स लोगों ने जो लिखा है, उसको हम आर्य अरण्यकास कहते हैं। और उपनिषद जो था वो लास्ट था। ठीक है, उपनिषद लास्ट था, ये हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर था। हालांकि उपनिषद जो है रिचुअल से हटकर हमें थोड़ा फिलोसॉफिकल नॉलेज देता है, मगर ये हाईली फिलोसॉफिकल होने की वजह से आम आदमी के समझ में नहीं आता था। ठीक है, इसको वेदांता भी कहा जाता है। किसको? उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदास, है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इन सब में आखिरी में कौन आया था? उपनिषद आया है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में जानना जरूरी है, बस इतना ही, इतना जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की इतनी खासी कोई जरूरत है नहीं। हालांकि आपको अगर किसी और सोर्स में अच्छा खासा और कुछ मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, नो नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, यही वो ड्यूरेशन है वैदिक पीरियड जहाँ पे हमें दो महाकाव्य मिलते हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है, रामायण बाय वाल्मीकि, वी ऑल नो इट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज आदिकाव्य। वाई आदिकाव्य? बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलता है? महाभारत मिलता है। महाभारत जो है बाय वेद व्यासा, इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रख लो रामायण जो है वो ओल्डेस्ट एपिक है दुनिया का, और महाभारत जो है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी हमें वैदिक एज में ही मिलती है।
तो चलो अब हम आते हैं आर्यंस के ऊपर कि आर्यंस आए कहाँ से, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या थ्योरीज है आर्यंस के एडवेंट की या फिर उनके ओरिजिन की। आगे चल के ये देखेंगे अभी हम कि आर्यंस आने के बाद पहले इंडिया में कहाँ सेटल हुए, उसके बाद कहाँ कहाँ वो इंडिया में मूव हुए, और पहले उनकी लाइफ कैसी थी, बाद में उनकी लाइफ कैसी हो गई। ठीक है, ये सब चीजें हम अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सी, आर्यंस बिलीव टू बी फर्स्ट सेटल इन नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब। ठीक है, देखो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जैसे आज का पंजाब आपको देखने मिलेगा जैसे, या फिर पाकिस्तान, ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पर जो है आर्यंस आके पहले सेटल यहाँ पर हुए थे। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलता है कि आर्यंस पहले यहाँ पर सेटल हुए होंगे क्योंकि एक वर्ड का इस्तेमाल काफी बार हुआ है ऋग्वेदा में या फिर वेदाज में, वो है सप्त सिंधु या फिर सप्त सिंधवा। अब इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स द कंट्री ऑफ सेवन रिवर्स या फिर द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, अब ये जो रीजन है जहां पर ये नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उसको क्या बोलते थे, सप्त सिंधवा, है ना, वेदाज में इसका बार बार मेंशन है। अब इससे हमें ये पता चलती है, ये पता चल रहा है कि ये ऐसी जगह पे रह रहे थे जो कि सेवन रिवर जहाँ से इम्पोर्टेंट गुजरते थे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर वो सेवन रिवर कौन कौन से हैं, एक है इसमें इंडस, उसके अलावा इंडस के जो फाइव ट्रिब्यूटरीज है वो, और सरस्वती। वैसे सरस्वती तो जो है एक मिथिकल एंशियंट रिवर है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, मगर हमारे जो इंडिया के जो हमारे वेदाज है या जो भी स्क्रिप्चर्स है उसमें कहा जाता है, काफी जगह हमें मिलता है कि सरस्वती नाम की एक रिवर भी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जैसे गंगा जमुना जैसे पायस रिवर है, वैसे सरस्वती को भी एक पायस रिवर माना जाता था। हावेवर टूडे सरस्वती डज नॉट एग्जिस्ट, मगर आर्यंस के टाइम में ये एग्जिस्ट करती थी। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर जो सप्त सिंधवा में जो सेवन रिवर की बात होगी वो कौन कौन सी है, इंडस है, इंडस के फाइव ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, और सरस्वती है। अब ये इंडस के फाइव ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है बाबा, बताओ तो मेरे को, इंडस के फाइव ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। हाँ झेलम, सतलुज, चेनाब, चेनाब, हाँ सतलुज, सतलज, हाँ रवि, हाँ सतलज। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म हमेशा बताता हूँ बच्चों को, जेसीबी पता है ना आपको, तो जेसीबी के अंदर आर डाल दो, JCRB और आखिरी में एस, तो झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज, ये पांच इंडस के ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये पांच ट्रिब्यूटरीज है। यस, JCRBS। अब ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म इसीलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है कि विच अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम देयर इन इन अ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर झेलम आती है, फिर चेनाब आती है, फिर नीचे रावी आई, उसके नीचे बियास आती है, और फिर सतलज आती है सबसे नीचे। तो अगर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो आपको नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस भी याद रहेगा। ठीक है, तो झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज ऐसे याद रखो। तो ये सेवन रिवर्स है ना, ये सेवन रिवर्स थे जहां पर वो बसते थे। अब ये सेवन रिवर्स को मैं कैसे बताऊंगा आपको, इससे हमें पता चलता है कि वो वहां पर, ये देखो ये जो आपके सामने मैप है, ये मैप है, देखो ये है इंडस, जो सरस्वती थी वो आपको समझ लो यहाँ पर कहीं थी, और ये उसके फाइव ट्रिब्यूटरीज है ना। तो ये देखो ये यहाँ पे ये जगह थी जहाँ पर पहले आर्यन सेटल थे अर्ली वैदिक टाइम में। अब ये बात अलग है कि हालांकि बाद में आर्यन जो है यहाँ पर मूव हो चुके थे, सेंट्रल एशिया में आ चुके थे, कुछ आर्यन तो साउथ एशिया में भी चले गए थे, सॉरी साउथ इंडिया में भी चले गए थे। ठीक है, तो मगर इनिशियल जो आर्यन का सेटलमेंट था वो कहाँ था, इस रीजन में, और इस रीजन को क्या कहा जाता था बच्चा लोग, सप्त सिंधवा, मतलब लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, और वो सेवन रिवर कौन कौन से है वो भी हमने देख लिया। ठीक है चलो, ओके, बाद में वो गंगेटिक प्लेन में भी मूव किए थे। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है कि इस पता इस पर जिस चलता है कि जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसमें गंगा का मेंशन सिर्फ एक या दो बार है। अगर वो यहाँ पर भी होते अर्ली टाइम्स में, तो गंगा और जमुना का मेंशन जो है काफी बार हुआ होता, जितना इन रिवर्स का हुआ है उतना गंगा का नहीं हुआ है, गंगा का एक या दो ही बार हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उनका मेजर सेटलमेंट यहीं पर था, बाद में फिर वो इस जगह पे भी मुड़े थे, फिर बाद में लेटर वैदिक जो लिटरेचर मिलते हैं उसमें हमें गंगा और यमुना का फ्रिक्वेंटली मेंशन मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है कुछ जो एविडेंसेस होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अब उनका सेटलमेंट कहाँ था। ठीक है, अर्ली टाइम में और लेटर टाइम में।
अब ये तो हो गया सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, अब देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस। ठीक है, देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, वहां पर डेमोक्रेसी थी या फिर ऑटोक्रेसी थी या क्या था, है ना, और स्टेट को कैसे डिवाइड किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, किसके हाथ में क्या था, किसके हाथ में क्या पावर थी, ये सब चीजें मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका। ओके, तो सबसे पहले तो चीज हम ये देखेंगे, हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग सिस्टम। यहाँ पर मोनार्की थी बच्चा लोग, क्या थी मोनार्की, मतलब क्या, मतलब अगर कोई चीफ है किसी फैमिली का और अगर वो मर जाता है तो उसका बेटा यहाँ पर टिकोर कर लेगा और राजा का बेटा ही फिर से राजा बनेगा। ठीक है, तो पहले अगर हरिचंद है तो फिर गोपाल चंद आ जाएगा। ओके, तो गोपाल चंद किसका बेटा है, हरिचंद का बेटा है, तो हरिचंद अगर पहले राजा था तो अब गोपाल चंद राजा बन जाएगा। तो हेरिडेटरी मतलब क्या, बाप अगर राजा है तो बेटा राजा बनेगा। तो ये पॉलिटिकल सेटअप जो है यहाँ पे हमें वैदिक एज में देखने मिलता है, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होता था, कभी कभी ये भी हमें एविडेंसेस देखने मिले हैं यहाँ पर कि अगर किंग अच्छा नहीं है, अगर कोई किंग क्रूएल निकल जाता है, जैसे भंडारा देव टाइप आ जाता है अगर कोई, है ना, अगर कोई बाहुबली आ रहा है तो ठीक है तब तक लोग मान्य कर लेंगे, मगर कोई भंडारा देव अगर आ जाता था तो लोग मिलकर उसको बदल देते थे। इलेक्शन ऑफ किंग के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटरी मोनार्की तो थी ही, उसके अलावा इलेक्शन भी हुआ करते थे, अगर कोई राजा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, काफी कोई अगर क्रूएल राजा आ जा रहा है तो उसको लोग बदल भी दिया करते थे। तो ये पॉलिटिकल सेटअप की बात है। उसके अलावा जो देश था उसको हम बोलते थे राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र मतलब ट्राइबल किंगडम या फिर देश। ओके, हेड ऑफ द स्टेट या फिर ये राष्ट्र का जो राजा होता था उसको हम क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। राष्ट्र का राजा कौन होगा, राजन बोलने में। ठीक है, देखो ये जो टर्म्स है ना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज पे सवाल बनते हैं। ठीक है, राष्ट्र प्रोबेबली वाज डिवाइडेड इनटू जनास, जैसे आज एक देश है हमारा इंडिया, इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, स्टेट्स, लाइक महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, वैसा राष्ट्र जो है वो जनाज में डिवाइडेड होता था ना, जनाज को आप यहाँ पर स्टेट समझ लो। ठीक है, फिर वो जनाज जो है फिर आगे स्टेट, जैसे जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड, वैसे फिर जनाज विसाज में डिवाइड होते थे। ठीक है, और जैसे आज डिस्ट्रिक्ट जो है वेरियस टाउन या फिर रूरल एरियाज या फिर वेरियस क्या बोलेंगे आप, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग विलेजेस मिल जाएंगे, तो वैसा विसाज को भी अलग अलग ग्रामाज हुआ करते थे, विलेजेस। ठीक है, जिसको ग्रामा बोलते थे। तो ऐसा एक सेटअप था, है ना, सबसे ऊपर राष्ट्र था, फिर वो राष्ट्र वॉज डिवाइडेड इंटू जनाज, एंड जनाज वर डिवाइडेड इंटू विसाज, एंड विसाज वर डिवाइडेड इंटू ग्रामाज। ठीक है, राष्ट्र का जो किंग था उसको राजन बोलते थे, जनास का जो किंग था उसको जनपति बोलेंगे, विसास का जो किंग था उसको विसपति बोलेंगे, ग्राम या विलेजेस का जो हेड था उसको हम ग्रामनी बोलेंगे। ठीक है, या फिर विलेज हेडमैन, और इस विलेज हेडमैन के पास काफी पावर हुआ करती थी। ठीक है, और हर विलेज में ग्रुप ऑफ फैमिलीज होते थे, उसको हम कुलज बोलते थे, और वो ग्रुप ऑफ फैमिली का जो सबसे एल्डर या जो सबसे हेडमैन जो होगा उसको हम कुलपति या फिर ग्रहपति बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमको दो इम्पोर्टेंट बॉडीज देखने मिलती है, सभाज और समिति। जैसे आज हमारे दो इम्पोर्टेंट बॉडीज कैसे है ना, लोकसभा राज्यसभा, है ना, हालांकि कंपैरिजन नहीं कर सकते मगर आपको समझ में आया इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभाज और समितिज नाम के दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। ऐसा कहा जाता है कि सभाज में जो है हमारे एल्डरली पीपल हुआ करते थे यहाँ पर, और समिति जो है ये एक जनरल सब लोगों की एक नॉर्मल असेंबली थी। ठीक है, और सभाज और समिति इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था राजा के ऊपर, है ना, राजा को इनकी बात टालना मुश्किल हो जाता था, तो ये एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस राजा पर एक्सरसाइज करते थे, सभाज और समिति। दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें तो चीफ ऑफिशियल्स क्या थे। देखो ऑफिशियल्स मतलब क्या कि नॉर्मल पावर किसके पास हुआ करते थे, तो तीन चार इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें ऑफिशियल देखने मिलते हैं, जैसे पुरोहिता, पुरोहिता मतलब प्रेस्ट, उसके बाद था सेनानी, जैसे मतलब एक सेनापति, और तीसरा था ग्रामीण मतलब एक विलेज का हेडमैन। तो ये तीन चीफ ऑफिसर थे, है ना, पुरोहिता मतलब प्रेस्ट था, है ना, रिलीजियस मैटर में हेड का, रिलीजियस मैटर्स का हेड ये हुआ करते थे। सेनानी मतलब एक सेनापति था, मतलब जो वॉरियर क्लास है या फिर जो भी सेना होगी वो सेना का सेनापति, है ना, और ग्रामीण मतलब एक विलेज हेडमैन, है ना, जैसे सरपंच होता है आज हमारा, वैसे एक विलेज हेडमैन होता था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोजीशन थी यहाँ पर अर्ली वैदिक टाइम में। ठीक है, ये अर्ली वैदिक टाइम पढ़ रहे हैं, ओके,
लेटर वैदिक टाइम में आपको यहाँ पर और भी थोड़े एडिशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें देखने मिलता है। उसके अलावा जो पुरोहित थे या जो भी मतलब जो प्रीस्ट थे, वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस उनका होता था किंग के ऊपर, ठीक है। किंग के ऊपर पुरोहित का या फिर जो किंग थे जो प्रीस्ट थे उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। यहाँ पर दो प्रीस्ट का भी बहुत नाम फेमस है वेदांत में, जैसे वशिष्ठा और विश्वामित्रा, है ना, आपने इनका नाम सुना रहेगा। ये दो इम्पोर्टेंट पुरोहित या फिर प्रीस्ट हुआ करते थे, जिनका अच्छा खासा जो है इन्फ्लुएंस राजाओं पर हुआ करता था। सेनानी वॉज द हेड ऑफ द आर्मी, जैसे मैंने आपको बताया, एंड किंग एम्प्लॉयड दूताज। इसके अलावा किंग जो है दूताज मतलब अपने स्पाइस को भी एम्प्लॉय किया करता था अपने आसपास के रीजन में, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चीफ ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक एज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे वैदिक टाइम में, ठीक है, कि वैदिक टाइम में सोशल लाइफ कैसी थी। ओके, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ वैदिक एज। देखो, सबसे पहले तो सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि इन्फ्लुएंस जो है फैमिली पर, ये मेल पार्ट का था, मेल का या फिर मेन का हुआ करता था, ठीक है। सो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होती है उसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेल की ज्यादा चलती है, मेन की ज्यादा चलती है ना, मेन का डोमिनेंस होता है। तो ये ऐसा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, कौन सा, ऋग्वेदिक टाइम। आज भी इंडिया को जो है बाय एंड लार्ज एक पैट्रियार्कल सोसाइटी ही माना जाता है, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज गृहपति, जैसे मैंने आपको बताया गृहपति, या फिर इसको और एक नाम था कुलपति, ठीक है, कुलपति या फिर गृहपति, तो इसको ऐसा बोला जाता है। फैमिली हेड को क्या बोला जाता था, गृहपति। मोनोगामी वॉज जनरली प्रैक्टिस वाइल पॉलीगामी वॉज प्रीवेलेंट इन रॉयल फैमिली या फिर नोबल फैमिली। देखो, पॉलीगैमी क्या होता है, मोनोगैमी और पॉलीगैमी में डिफरेंस है। आपने मैथमेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी पढ़े होंगे, मोनो मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी। पॉलीगैमी का मतलब ये होता है कि टू हैव मोर देन वन वाइफ, है ना, ज्यादा शादियां करना मतलब पॉलीगैमी, और एक ही शादी करना मतलब मोनोगैमी। तो जो अर्ली वैदिक टाइम था, मतलब देखो कंफ्यूजन मत करो, मैं आपको एक बार ये क्लियर करा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि वैदिक एज जो है ये कहाँ से कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 1500 से लेके 600 BC तक। तो इसमें जो 1500 से लेके जो 1000 BC तक का टाइम है, 1500 से लेके 1000 BC तक, इसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक टाइम। इसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं, अर्ली वैदिक टाइम। और 1000 से लेके 600 BC, ठीक है, 1000 से लेके 600 BC का जो टाइम बनता है इसको हम लेटर वैदिक टाइम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक टाइम। तो जब मैं अर्ली वैदिक टाइम बोल रहा हूँ ना बच्चा लोग, तो आप ये मान लो कि मैं इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, 1500 BC से 1000 BC, मतलब ये 500-600 साल का ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी में सब अच्छा अच्छा था, सब चंगा से, ठीक है। तो जो ये ड्यूरेशन था, इसमें अर्ली वैदिक टाइम में क्या था, मोनोगैमी प्रैक्टिस होती थी, मतलब एक ही वाइफ नॉर्मली हुआ करती थी। हालांकि जो रॉयल फैमिलीज होते थे, रॉयल फैमिली में आपको एक से ज्यादा वाइफ के एविडेंसेस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा वुमन का पोजीशन अच्छा खासा था अर्ली वैदिक टाइम में, जैसे वुमन वेयर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट सभाज और समितिज में भी जो है वो अटेंड किया करते थे, ठीक है। जो पॉपुलर असेंबलीज थे, सभा और समिति, वो भी वुमन को अटेंड करने की इजाजत थी। और हमें कुछ फेमस वुमन यहाँ पर मिलते हैं, जिसके यहाँ पर चार नाम दिए हुए, अप्पाला, विश्ववरा, घोसा और लोपामुद्रा, ये आपको याद रखने बच्चों। एमपीएससी के एग्जामिनेशन में एक बार ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, अप्पाला, विश्ववरा, घोसा और लोपामुद्रा ये किस एज से बिलोंग करते हैं, ऐसा सवाल था, है ना, किस ड्यूरेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसा सवाल था। तो आपको याद रखना है ये वैदिक एज से बिलोंग करते हैं, एंड इफ यू गो मोर स्पेसिफिक, आपको ये याद रखना है कि ये अर्ली वैदिक टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम याद रख लो वुमन के, जिनका अच्छा खासा डोमिनेंस अर्ली वैदिक टाइम में हुआ करता था, जिससे हमें पता चलता है कि वुमन की जो पोजिशन है वो अच्छी थी, मतलब वुमन को अपॉर्चुनिटीज मिला करती थी इवन इन द पॉलिटिकल मैटर्स एज वेल। इसके अलावा देखो, देर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, देर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एंड देर वॉज कंसिडरेबल फ्रीडम ऑन द पार्ट ऑफ यंग पर्सन कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, है ना, अपना अपना लाइफ पार्टनर चुनने की भी अच्छी खासी आजादी इस ड्यूरेशन में थी, ठीक है। वीट, बार्ले, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेयर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड,
इनका मेन डाइट क्या था? मेन डाइट इनका मेजरली जो है वेजिटेरियन हुआ करता था। मेन जो डाइट था इनका ये मेजरली वेजिटेरियन हुआ करता था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यन या फिर वैदिक एज जो है ये प्योरली वेजिटेरियन एज है, ऐसा नहीं है। लोग नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे इस वक्त, मगर जो यहाँ पर अलाउड नहीं था वो था काउ मीट, ठीक है, मतलब बीफ अलाउड नहीं था यहाँ पर, ठीक है, बीफ अलाउड नहीं था। उसके अलावा नॉर्मल जो चिकन मटन जो रहता है वो यहाँ पर कुछ लोग खाते थे, नो डाउट, ठीक है। चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग एंड म्यूजिक डांस वेयर द पास्ट टाइम्स। जैसे हमने हड़प्पन्स का देखा, हड़प्पन्स में भी कुछ पास्ट टाइम थे, जैसे फिशिंग था, हंटिंग था, या फिर बुल फाइटिंग, वो उनके पास्ट टाइम थे, ठीक है, मतलब टाइम पास करने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। वैसा आर्यंस के लिए क्या था? चैरियट रेसिंग था, हॉर्स रेसिंग था, डाइसिंग मतलब क्या रहे, डाइस खेलते हैं ना हम, तो वो था, म्यूजिक एंड डांस भी इस वक्त एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सोशल डिवीजन वेर नॉट रिजिड, मतलब सोशल डिवीजन इतना रिजिड नहीं था, जैसे लोहार का बच्चा लोहार ही बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग इंटरेस्ट के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते थे, नो डाउट, ऐसा कोई बहुत रिजिडिटी या क्या बोलेंगे इसको, हमारे सोशल डिवीजन नहीं थे, ठीक है, रिजिड सोशल डिवीजन नहीं थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वेदिक टाइम। इसमें से किसी भी पॉइंट पर सवाल बन सकता है, ठीक है, मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स ही दिए, ज्यादा इस पे मैंने आपको देना दिया नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्य वैदिक पीपल, ठीक है। अब इकोनॉमिक कैसा था इनका? जैसे हमने हड़प्पन टाइम में देखा था कि एग्रीकल्चर जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन था उनका, हड़प्पन का, ठीक है। वैसा इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ वैदिक कल्चर की बात है वहाँ एग्रीकल्चर शुरू में नहीं था, ठीक है। एग्रीकल्चर इन्होंने बाद में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो है एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा डेवलप हुआ था, मगर अर्ली वैदिक टाइम की जहाँ तक बात करेंगे ये मेनली जो है कैटल रियरिंग पीपल थे, कैटल रियरिंग, है ना, मतलब ये अपने कैटल्स को या काउ को घास फूस चराने के लिए लेकर जाया करते थे, ठीक है। देवर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ पास्चर, है ना, एक जगह पर पास्चर खत्म हो जाए तो अगली जगह पर जाओगे, फिर वहां पर पास्चर खत्म हो जाए तो अगले की जगह जाएंगे, क्योंकि कैटल जो है या कैटल या काउ ये जो भी है ये इनके लिए मेन वेल्थ था इनका, क्योंकि इन्हीं से इनको सारे इनके जो डाइट प्रोडक्ट थे वो मिलते थे, जैसे कर्ड, घी, दूध, ये सब जो था इनका मेन डाइट था, और वो देने वाला एनिमल कौन था? काउ था। तो इसीलिए उनके लिए काउ बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सैक्रेट थी, ठीक है, बहुत पवित्र थी उनके लिए काउ, ठीक है, बिकॉज काउ से उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिला करती थी, ठीक है। तो कैटल रियरिंग ये किया करते थे, तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे वो इन सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर मतलब कैटल जो घास फूस खाती है उसको हम क्या बोलेंगे? पास्चर बोलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए इनका जो वेल्थ है इट वॉज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ कैटल, है ना। आज हमारा वेल्थ कैसे एस्टिमेट होता है? किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, किसके कितने फ्लैट्स है, किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, किसका कितना बिजनेस है, इस पर आज का वेल्थ मेजर होता है। मगर वैदिक टाइम में जो वेल्थ मेजरमेंट का क्राइटेरिया था वो था कैटल, जिसके पास जितनी कैटल है वो सबसे ज्यादा, वो उतना ही रिच है, ठीक है। तो वेल्थ जो है ये इन टर्म्स ऑफ कैटल गिनी जाती थी। सो व्हेन दे परमानेंटली सेटल इन नॉर्थ इंडिया, बाद में जब वो नॉर्थ इंडिया में मूव हुए, दे बिगन प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर बाद में शुरू हुई थी, मगर पहले ये कौन थे? ये कैटल रियरिंग पीपल थे, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ आयरन, नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन, उसके बाद हमने जैसे देखा कि 1500 BC तक जो है आयरन डिस्कवर हो चुका था, और जैसे आयरन डिस्कवर हुआ तो आयरन के बारे में जैसे इनको पता चला, तो आयरन का इस्तेमाल करके इन्होंने अलग अलग टूल्स बनाए, वेपन्स बनाए, जिससे उनको फॉरेस्ट को क्लियर करने में ज्यादा आसानी हुई, और ये फॉरेस्ट क्लियर करते गए और वो जमीन को जो है एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते गए, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऐसे ही धीरे धीरे और भी बढ़ता गया, है ना। दे यूज टू क्लियर फॉरेस्ट एंड दे यूज टू डू एग्रीकल्चर ऑन द क्लियर लैंड, ठीक है, और फिर ऐसे ही एग्रीकल्चर बढ़ता गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के अलावा यहाँ पर सोसाइटी में कारपेंट्री होती थी, गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, पॉटर्स हुआ करते थे, ओके। और जहां तक सिस्टम है लेन देन की सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर करेंसी यहाँ पर इतनी डेवलप थी नहीं कि अब करेंसी के बदले ये लिया जाए उसके बदले वो लिया जाए, तो सिंपल बार्टर सिस्टम था। अगर मेरे पास व्हाइट है, तेरे पास बार्ली है, तो व्हाइट ले ले, बार्ली दे दे, ठीक है। तो ऐसा लेन देन हुआ करता था जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आई होप बार्टर सिस्टम आप में से सब लोगों को पता होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ गोल्ड कॉइन्स भी हमें यहाँ पर मिले, ठीक है, और उनको कहा जाता था निष्का।
जो गोल्ड कॉइन हमें आर्यन टाइम में मिले हैं या वैदिक एज में मिले हैं उसको क्या कहा जाता था, ऐसा सवाल आ सकता है आपको, तो निष्का कहा जाता था, ये याद रखना है। और जैसे हमें हड़प्पन टाइम्स में कुछ पॉटरीज देखी थी जिसको हम बोलते हैं प्लेन पॉटरी या फिर रेड एंड ब्लैक पॉटरी, वैसे ही पॉटरीज जो हमें वैदिक टाइम में मिलती है, ठीक है, वो पॉटरीज को हम बोलेंगे ऑकर कलर्ड पॉटरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑकर कलर पॉटरी? ऑकर कलर किस, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये? ऑकर मतलब कौन सा कलर? हाँ बच्चा, किसने पूछा ये चैट बॉक्स में? हाँ ये सब आर्यंस की टाइम का देख रहे हैं, अभी हम आर्यंस की सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं ना, आर्यन एज, हम वैदिक एज डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी कॉपर की पॉटरी नहीं, ऑकर कलर पॉटरी। ऑकर मतलब क्या कलर होता है? मड लाइक कलर। अच्छा और किसी को कुछ बोलना है? अरे बाबा, ऑकर कलर मतलब रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुना है क्या तुमने? गेरुआ मतलब क्या हाँ जानते सर, तुम? बहुत मस्त गाने हैं सर। हाँ वेरी गुड, है ना। उसके अलावा सर एक दो लाइन। हाँ, फिर कभी पर्सनल मिलना मेरे को, अब अकेले ना मैं तुझे अच्छे अच्छे गाने सुना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपने अजय देवगन की जो एड देखी होगी बोलो जुबा केसरी वाली, है ना, अब उसमें शाहरुख भी आ गया है, तो केसरी कलर या गेरुआ कलर जो हम बोलते हैं उसको बोले कि ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। तो गेरुआ कलर की या फिर केसरी कलर की पॉटरीज वैदिक टाइम में हमें देखने मिलती है, ठीक है। रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी हमें कौन से टाइम में देखने मिलती है? रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी हमने कौन से टाइम में देखी, कौन से एज में देखी या कौन से सिविलाइजेशन में देखी? अरे बाबा, गेरुआ कलर होता है, ऑकर कलर। अच्छा ठीक है बाबा, तू ब्राउनिश समझ ले, मगर इसका जो होता है नॉर्मली आप डिक्शनरी पे डालो, आपके पास अगर वर्ड वर्ड वेब डिक्शनरी होगी तो उसमें डालो, या आप अपने नॉर्मल डिक्शनरी में भी डाल के देख सकते हो। गेरुआ कलर मतलब किसको बोलते हैं हम? ऑरेंज कलर को ही बोलते हैं ना रे बच्चे लोग। तपकीरी रंग जिसको बोलेंगे, तपकीरी, ज्यादा ज्यादा स्पेसिफिक, तपकीरी रंग, ठीक है। जैसे देखो ये जो कलर मैं दिया है ना मैंने, ऐसा कलर समझ लो आप, ठीक है, थोड़ा डार्किश ऑरेंज, ठीक है, ऐसा कलर समझ लो आप। गूगल करो वो क्रेयोंस में भी ब्राउन येलो होता। अच्छा बाबा ठीक है, देख लेंगे, ठीक है, मगर अभी के लिए याद रखो, ये देखो ये जो कलर दिया है ना मैंने आपको, ये पॉटरी जिस कलर में लिखा हुआ है ना, ये ऐसा ही कलर समझो आप, ठीक है। मैंने आपको सवाल क्या पूछा है? रेड एंड येलो पॉटरी, सॉरी रेड एंड ब्लैक पॉटरी हमने कौन से टाइम में देखी है? हाँ ब्लैक एंड रेड। अरे बाबा हड़प्पन टाइम में देखी ना, अभी अभी पता है और किसे हड़प्पन्स बोल रहे में हो? देखा। हड़प्पन्स में मैंने आपको बताया ना कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी हमने वहां पर देखी है, ठीक है। चलो तो हड़प्पन की बात जब हम इसमें आए, वैदिक एज में आए, तो हमें ऑकरे कलर पॉटरी देखने मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन पीपल। ये थोड़ा जेनुइन की ये अंदर आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिलीजन ऑफ हड़प्पन पीपल, ठीक है। रिलीजन कैसा था हड़प्पन का, सॉरी हड़प्पन बोटॉम, सॉरी वैदिक एज में रिलीजन क्या था, ठीक है। तो जहां तक अर्ली वैदिक टाइम की बात है, तो वर्शिप, दे यूज टू वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस, मैंने आपको बताया हड़प्पन का भी ऐसा ही था, हड़प्पन भी बाय एंड लार्ज जो है नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन या फिर थंडर, है ना। जैसे हम बोलेंगे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वायु, विंड, वरुणा, रेन, इंद्रा, थंडर, तो ये जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा और इंद्रा, ये सब क्या थे? इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स थे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड थे, बिकॉज दे पर्सोनिफाइड दिस नेचुरल फोर्सेस इनटू मेनी गॉड्स एंड वर्शिप देम, ठीक है। सो दिस वाज द रिलीजन ऑफ वैदिक, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, ठीक है। इंद्र वाज द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? इंद्र था, ठीक है। अग्नि वाज रिगार्डेड एज इंटरमेजरी बिटवीन द गॉड्स एंड पीपल। देखो आज भी आप अगर देखो यज्ञ वगैरह होता है ना, यज्ञ में हम क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं, या फिर आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा
कि मैं अग्नि को साक्ष्य मानकर ऐसी शपथ देता हूँ या फिर अग्नि को साक्ष्य मानकर ये बोलता। तो अग्नि जो है दिस वॉज रिगार्डेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉड, जो कि ऐसा बोला जाता था कि गॉड के और मैन के बीच में जो है इंटरमीडिएट करता है। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो है अग्नि को अग्नि का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। देयर वेर ऑल्सो फीमेल गॉड्स लाइक आदिति एंड उषास, है ना, आदिति एंड उषास, दिस फीमेल गॉड्स वर यूज्ड टू बी वर्शिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज, ऐसा सवाल आ सकता है। तो अर्ली वैदिक एज में आप याद रखो कि कुछ फीमेल गॉड्स को भी वर्शिप किया जाता था, जिसमें से कुछ दो इंपॉर्टेंट नाम है जैसे आदिति और उषास। नो टेम्पल एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। देखो जहां तक अर्ली वैदिक टाइम की बात है, मतलब 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, रफली ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यहाँ पे आपको रिलीजन में आपको देखने ये तो देखने मिलेगा कि अब अर्ली वैदिक पीपल यूज टू वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, मगर दे डिड नॉट वर्शिप देम इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स, दे डिड नॉट मेक आइडल्स ऑफ देम एंड पुट इट इन योर टेम्पल, क्योंकि हमें ना ही टेम्पल का एविडेंस मिलता है अर्ली वैदिक टाइम में और ना ही आइडल वर्शिप का हमें कोई एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो टेम्पल और वर्शिप, आइडल वर्शिप जो है ये अर्ली वैदिक टाइम में नहीं होते थे, हालांकि लेटर वैदिक टाइम में जो है आपको धीरे धीरे अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी, वो चेंज भी हम जब लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तब पढ़ेंगे। प्रेयर्स वेयर ऑफर्ड टू द गॉड्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स, ना, तो ये आज भी वही होता है। इसके अलावा घी, मिल्क और ग्रेन वेयर गिवन एज ऑफरिंग्स, है ना, घी या मिल्क जो है सैक्रिफिशियल, काफी सारे हम रिचुअल्स में जो है ऑफर करते हैं ना, आज भी आपको देखने मिलेगा ये सारी चीजें। तो ये अर्ली वैदिक टाइम में घी, मिल्क, ग्रेन जो है ये एज अ ऑफरिंग यहाँ पर दिया जाता था रिचुअल्स में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक टाइम। ठीक है, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने देखा आर्यन का एडवेंट देखा इंडिया में, आर्यन का ओरिजिन क्या था वो देखा, आर्यंस ने आने के बाद पहले कौन सी जगह पर सेटल हुए थे वो देखा, जिसमें हमने सप्त सिंधु वाक्य नाम का कंसेप्ट देखा। ठीक है, और वहां पर ये आप जब वहां पर वो सेटल थे, वो जो ड्यूरेशन था वो हमने देखा कि अर्ली वैदिक टाइम था, और अर्ली वैदिक टाइम में आपको क्या बताया 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, है ना, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक मैंने आपको अर्ली वैदिक टाइम बताया। इस वैदिक टाइम में पॉलिटिकल सेटअप क्या था, सोशल लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, रिलीजन क्या था, ये सब डिस्कस किया। अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है लेटर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो गिना जाता है इस ड्यूरेशन को 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। ठीक है, तो और ये जो लेटर वैदिक टाइम है, अब इसमें एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक टाइम क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में। ठीक है, जैसे सोशल चेंजेस क्या है, रिलीजियस चेंजेस क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे अर्लियर उनका सेटलमेंट जो था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था, पंजाब के और पाकिस्तान के, बाद में वो सेंट्रल एशिया में आ गए, फिर वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट शुरू किया और वहाँ से सोसाइटी में और कुछ बदलाव हुए। ये सारे बदलाव जो जो भी हुए या फिर जो जो भी पॉलिटिकल सेटअप था, इकोनॉमिक लाइफ थी, ये हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे कल के लेक्चर में। और हमारा आधा लेक्चर जो होगा कल 40 मिनट्स का, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा पेज, हाँ, अब कल का जो मतलब कल अपन करंट अफेयर भी करेंगे ना। हाँ, exactly. तो करंट अफेयर का सर आप नोट्स हैंड टू हैंड प्रोवाइड करोगे या फिर मंथ एक बार ऐसा कुछ करोगे आप? जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको भेजा था ना, जैसे कुछ पार्ट वाइज करूंगा, पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा मैं आपको। ठीक है, हफ्ते भर का मतलब एक हफ्ते का करंट अफेयर जैसे ही होता है खत्म, तो पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया करूंगा। अच्छा, और फिर आपने पहले जैसा किया था फिर मंथ के एंड में सभी को इनवाइट करने का वैसा करोगे ना? एग्जैक्टली, और मंथ के एंड में फिर सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिखूंगा, सेग्रीगेटेड फॉर्म में आपको नोट्स दूंगा, जैसे नेशनल न्यूज अलग, इंटरनेशनल न्यूज अलग, स्पोर्ट्स की न्यूज अलग, डेज और थीम्स के अलग, तो वैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर, और अपन करंट अफेयर कौन से मंथ से चालू करेंगे? करंट अफेयर हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये जो मंथ चल रहा है ना, मतलब अपन अप्रैल के मंथ से चालू करेंगे। हाँ, अप्रैल का ही, मतलब अप्रैल मंथ से हम करंट अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सही है सर, चलेगा। ठीक है, तो कल से हम जो फर्स्ट 40 मिनट्स होगा हमारा, उसमें हम लेटर वैदिक पीरियड एज को भी पूरा कवर कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स से हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। चलो, आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर ऑल एंड और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, यस सर। चलो, और बाकियों को भी बोलो लेक्चर अटेंड करने के लिए। जी सर।
नंबर्स मुझे कम दिखाई दे रहे हैं अभी, नंबर आजकल मुझे पता नहीं है नंबर्स कम दिखने का रीजन क्या है। बोलते हैं सर अपन ग्रुप में, बोलता सर। चलो ठीक है, ग्रुप पर डालो लेक्चर अटेंड करने के लिए, हो जी सकता है सर काफी जी। स्टूडेंट्स को पता ही ना हो कि मेरा लेक्चर हो रहा है, क्योंकि मेरा नाम नहीं आता वहां पर, हाँ वही ठीक है। सर, वही वही। तो आप सबको इन्फॉर्म करो कि मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं 9:40 to 11 तक मेरा लेक्चर होता है, सबको अटेंड करने के लिए हो, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो ओके, चलो आज से बाय टुमारो, गुड सर, नाइट, जय थैंक यू हिंद। सर। गुड नाइट, हाँ जय गुड नाइट। हिंद।